आदित्य और श्रवण में हुई जमकर लड़ाई। निर्मला ने आदित्य को कहा जानवर। सोनी टीवी के शो एक दूजे के वास्ते में इन दिनों प्यार और वार का ट्रैक चल रहा है। श्रवण और सुमन की शादी की बात जैसे ही रामनाथ को पता चलती है, रामनाथ तुरंत श्रवण को कॉल करते हैं और उन्हें ऑफिस बुलाते हैं। श्रवण नाना जी से कहते हैं कि सुमन की विदाई से पहले वो वापस लौट आएंगे। श्रवण को आदित्य किडनैप करवा लेते हैं। ये सब तो आप शो के पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य और श्रवण की जमकर लड़ाई होती है और इस दौरान दोनों को काफी गहरी चोट लग जाती है। निर्मला आदित्य को कॉल करती हैं और श्रवण और आदित्य के बीच की सारी बातें उन्हें पता चल जाती हैं। निर्मला आदित्य पर चिल्लाती हैं और उनसे कहती हैं कि गुस्से में वो जानवर बन गए हैं। निर्मला आदित्य से रिक्वेस्ट करती हैं कि उनकी जिंदगी में पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं, आदित्य उन्हें और ना बढ़ाएं। श्रवण सुमन को लेने घर पहुंचते हैं और देर से आने के लिए नाना जी से माफी मांगते हैं। श्रवण को पता चलता है कि सुमन अपनी विदाई की रस्म छोड़कर पीसीटी गई हैं। श्रवण ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं श्रवण के मन में इतना गुस्सा और नफरत देखकर रामनाथ को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं श्रवण अपनी जिद और नफरत में किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। श्रवण और सुमन की जिंदगी अब आगे कौन सा मोड़ लेती है, ऑडियंस ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसी तरह की शो से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह की और भी खबरों और गॉसिप्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।